दररोज सवार सांज एक ग्लास पानी मा एक चमची एपल विनेगर अने एक चमची मध भेरवीने पीवाथी लीवरनी नबराई मटे छे। जुवारनी रोटली खावाथी हृदय स्वस्थ रहे छे। माथानो दुखावो दूर थाय छे अने ते फाइबरनो समृद्ध स्त्रोत छे। तरबूज खावाथी मन शांत रहे छे अने गुस्सो ओछो थाय छे। खरेखर तरबूजनी तासीर ठंडी होय छे, तेथी ज ते मनने शांत राखे छे। बबूलना दाणानु एक चमची पाउडर सवार सांज नियमित सेवन करवाथी तूटेला हाडका झड़पथी जॉइंट थाय छे। आ उपाय खूब ज प्रभावी अने असरकारक छे। रात्रे सूती वखते आईब्रो पर बदामनु तेल लगावो, तेनाथी थोड़ा दिवसों मा वाळनो ग्रोथ वधशे। कारण के बदामना तेल मा विटामिन ई भरपूर मात्रा मा जोवा मळे छे। काचा दूध ने होठ पर लगाववाथी होठनी काळाश दूर थाय छे। जो दांतमांथी लोही निकळतुं होय तो एक चमची आमला पावडर अथवा त्रिफळा पावडर ने 100 मिली पाणी मा उकाळो अने तेनाथी कोगळा करो। आवो दिवस मा 3 वखत करो। जो तमने भूख ओछी लागे छे तो दररोज 30 ग्राम लीला धाणानो रस पीवो, तेनाथी थोड़ा दिवसों मा तमारी भूख वधी जशे। पाका पपैयानो टुकड़ो रोज चेहरा पर घसवाथी चेहराना दाग जड़मूळ माथी खतम थई जशे अने धूरना कणो पण दूर थई जशे अने चेहरानु काळापणु दूर थशे। मोटी एलचीना दाणा ने पीसीने मधमा भेळवीने सवार साज चाटवाथी गभराट अने उबका दूर थाय छे।